जय श्री कृष्ण। स्टार प्लस की यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। अपने फेवरेट शो देखने के लिए स्टार प्लस की यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब करें और वो बेल आइकन को हिट करना मत भूलिए। ध्यान रखो। ये है आपका कपड़ा। इतना बड़ा चिंचड़ी। दीपू ये क्या बोल रही हो तुम? इनको बुलाता है इस नाम से। हाँ वो दरअसल मेरी चाय जी है ना, वो मैनू चिंचड़ी कह के बुलाती है। और आप भी मैनू बुला सकते हो, और अगर किसी भी चीज की जरूरत हो ना तो मैनू बता देना, शर्माना बिल्कुल नहीं। ठीक है? कुछ भी चाहिए तो बता दू। तो मैं साबित कर ले चलो ना, मुझे वो बहुत अच्छा लगता है। आपकी दादी भी कितनी अच्छी थी, मेरी दादी से भी अच्छी। दीपू ये कुछ भी बोलती रहती है। अरे कोई गल नहीं बच्ची है। इन्होंने कहा ना शर्माना मत, तो आप भी शर्मा रही हो। हाय बाकी आपकी बेटी ना बहुत प्यारी है सच्ची। हमारे घर में ना बस कुछ ही देर में पीजी चाय जी सबका दिल जीत लिया। यकीन मानिए यहाँ पर भी ना बहुत जल्दी सबका दिल जीत लेगी। परजाई जी कमाल कर दो तुसी भी, इतने दिनों से कह रहे थे मेहमान आने, एक बार बता तो देते आपकी बहू आने वाली है, पोती आने वाली है, सच्ची बच्ची के लिए कोई खरीदारी कर लेती मैं। इसी वास्ते तो नहीं बताया, पहले ही तो इतनी सारी बातों को लेके परेशान है, ये भी बताती तो एक और काम लाद लेती अपने दिमाग में। वैसे अचानक कैसे आना हुआ गीत का? मैं इतने दिनों से तेरे से इस बारे में बात करना चाहती थी, पर पहले पंचायत की किचकिच, फिर बलदेव घर छोड़ के चला गया, तो इन सारी बातों के बीच मौका ही नहीं मिला तुझे बताने का। क्या बताने का मौका नहीं मिला? ऊपर जाइए जी, गीत बहू है आपकी, उसका पूरा हक बनता है इस घर में रहने का, उस वीरा से तो कहीं ज्यादा बनता है। कम से कम आपकी खुशी से तो आपकी बहू बनी है वो। गीत यहाँ सबसे मिलने के वास्ते नहीं आई है, वो किसी मकसद से आई है यहाँ। देख बंसरी, बलदेव और वीरा का रिश्ता तो खत्म समझो, और वैसे भी वो वीरा बलदेव पुत्र के लायक ही नहीं थी, इसीलिए मैंने गीत को यहाँ बुलाया है बलदेव के साथ ब्याह करने वास्ते। की कह रहे पर जायसी क्यों, एक बार में बात सुनाई नहीं थी? देख बंसरी, मैंने सब कुछ सोच लिया है, गीत और बलदेव एक दूसरे के लिए एकदम अच्छे रहेंगे, और वैसे भी जीत तो आखिर तेरी होनी है। तू चाहती थी ना कि वीरा इस घर से बाहर चली जाए और तुझे ऐसी बहू मिले जो तेरी हर बात माने। गीत ऐसी ही है, बिल्कुल गाय है, तेरी पूजा करेगी, तू जो बोलेगी मानेगी। तो इसलिए आप आई यहाँ पे, ये इरादा था आपका? हाँ मतलब इरादा है पंसरी, गीत हमारे खानदान की बहू है, अब वो तेरे घर की बहू बन जाएगी। और आपको लगता है मैं ऐसा होने दूंगी? कभी नहीं। गीत एक विधवा है पर जाइए, एक बच्चे की माँ है, उसका वह मेरे पुत्र से कभी नहीं हो सकता। अभी जाके बलवंत जी को सब बताती हूँ, आज ही आपको घर से नहीं निकाला ना तो देखना। बंसरी तेनू क्या लगता है कि मैं बिना सोचे समझे यहाँ आई? मैंने कोई फर्क नहीं पड़ता आपको क्या लगता है क्या नहीं और आप क्या करने वाली हो। मैं अपने पुत्र की जिंदगी बर्बाद नहीं होते देख सकती, पहले वीरा की वजह से ना परेशान रहता है वो, और वैसे भी किस्मत में ना कोई हूर परी लिखी है, कोई विधवा नहीं। आप भी क्या क्या सोच के आ गई हो यार, अभी जाके आपका कच्चा चिट्ठा खोलती हूँ सबके सामने। अच्छा, जिसने खुद एक इतना बड़ा राज छुपाया हो वो मेरा कच्चा चिट्ठा खोलेगी? भूल गई बंसरी, शादी की रात मंडप छोड़ के भाग गई थी, अपने उस आशिक के पास, लेकिन उसने तुम्हें अपनाने से इनकार कर दिया, तो फिर छुपते छुपाते सबकी नजरों से बचा के तुझे मंडप तक कौन लाया?
मैं बंसरी, मैं। तुझे तो मेरा एहसान मंद होना चाहिए बंसरी, मेरी हर बात आंख बंद करके माननी चाहिए। और तू तो मुझे घर से बाहर निकालने की बात कर रही है। वैसे 7 महीने में हो गया ना बलदेव तेरे, सबसे कहा था कि 7 महीने का बच्चा है, 4.5 किलो का बच्चा 7 महीने, मैंने तो पहली बार देखा है। पर ये इल्जाम मत लगाओ, बलदेव बलवंत जी का बेटा है। हाँ ये तू बोल रही है मंत्री, लेकिन जो औरत अपना शादी का मंडप छोड़ के भाग जाए उसकी बात पे कौन विश्वास करेगा। मैंने तेनू कहा ना बंसरी, मैं यहां सब कुछ सोच समझ के आई, या तो मेरा साथ दे या मैं तेनू सड़क पे ले आऊंगी। तेरी किस्मत अब मेरे हाथ में, अगर मेरा साथ देगी ना तो राज करेगी। मेरी बहू बहुत अच्छी है बंसरी, तेरी हर बात मानेगी, लेकिन तेरी बहू वीरा अगर उसे ये सारी बातें पता चल गई ना तो हंगामा करके सबसे पहले धक्के मार के घर से तुझे बाहर निकालेगी। देख बंसरी, तेरे पास ना मेरी बात मानने के अलावा और कोई चारा नहीं। आप परजाई जी, आपके और मेरे मानने से बलदेव गीत से ब्याह करने के लिए राजी थोड़ी होगी। वो सब तो मुझ पे छोड़ दे। अगर मैं बलदेव के दिल में उस वीरा के लिए नफरत पैदा कर सकती हूँ तो उसके दिल में गीत के लिए प्यार भी पैदा कर सकती हूँ। और फिर उस राजकुमारी के सामने दुष्ट राक्षसी आ गई। और पता है आपको फिर उसके बाद क्या हुआ? दीपू बाहर जाओ। अभी अभी दीपू जी मैंने कहानी सुना रही है। दीपू बहस मत कर पुत्र, जा। मैं तेनू यहाँ दीपू को कहानियां सुनाने वास्ते लाई हूँ। नहीं नहीं दीजिए। याद है ना तेनू करना क्या है, या फिर सब कुछ भूल गई? याद है। मेरे किए कराए पे पानी मत फेरना, हमारी किस्मत का फैसला करेगा तेरा हर कदम। याद रखना वरना रास्ते पे भीख मांगने की नौबत आ जाएगी। याद रखियो खसमानो खानी, अगर कोई भी गलती हुई ना तो तेरा वो हाल करूंगी तू जिंदगी भर याद रखेगी। तेन याद है ना जब भी तू मेरे खिलाफ गई है मैंने तेरा क्या हाल किया है? याद है? याद। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस YouTube पेज को।